विद्यार्थी मित्रांनो, 10वीच्या पाठ 6वा मकबरा माझ्या मनातला या पाठात आपले स्वागत आहे। जर आपण आमचा व्हिडिओ आपल्याला चांगला वाटत असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, याला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। अगर हमारा व्हिडिओ आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मकबरा माझ्या मनातला इसके दूसरे हिस्से में की शुरुआत करते हैं। चकवलेस ना आज मला तो म्हणाला। तो कौन म्हणाला? म्हणजे मकबरा म्हणाला। मकबरे ने किससे कहा? मकबरे ने नरेटर से यानी युमा पठान से कहा कि आज तूने मुझे चकमा दिया। चकवलेस ना हूँ मी। और नरेटर ने यानी लेखक ने क्या कहा? हूँ। थोड़ा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचे पाणी कमी झाले नसते का? यानी अगर तू थोड़ा देर रुक गया होता तो पुल पर का जो पानी था वो कम हो जाता। मग माझ्या वाटेने विद्यापीठाला नसते का जाता आले? तो मेरे रास्ते से तुझे विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी को जाते आता था। हो पन, हाँ ठीक है, तो पन नहीं नहीं बिन नहीं, यानी ना पन नहीं और बिन नहीं, ये हम बोलते ना ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तुला आज मरा चुकवाएचे होते भेटाएचे न होते। तो मकबरा किसे कह रहा है? लेखक को कह रहा है, तुझे आज मुझे चुकाना था यानी मुझसे बचकर जाना था और मिलना नहीं था। भेटायचे भेटने म्हणजे मिलना, नहीं रे तसे नहीं पन, यानी लेखक ने क्या कहा? नहीं रे ऐसा नहीं है, लेकिन मी गया वया करत म्हणतो। गया वया करना यानी कि वहाँ पर वो लेखक क्या कर रहा था? उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा था। नी तो पुनः दरड़ावून म्हणतो, लेकिन वो अचानक ज़ोर से यानी मकबरा को एक बेजान चीज़ को यहाँ जानदार की तरह पेश किया है और वो क्या कर रहा था? उसे धमका कर कह रहा था, पन नाही नी बिन नाही तुला चुकवायचे होते नक्की चुकवायचे होते, यानी पन बिन कोई बात नहीं है, तुझे मुझे चुका कर जाना था, मुझसे बच कर जाना था और ज़रूर नक्की यानी ज़रूर मुझे चुकवायचे होते, यानी मुझसे बच कर जाना था। अत्ताशा तुला कंटाड़ा ये तो है ना माझा, यानी अभी तुझे मेरी कंटाड़ा आया है, यानी कि मुझसे तू दूर भाग रहा है। मला कालचे सारे सारे सांगायचे होते नाही, तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपुऱ्याच्या वाटेने। अब यहाँ क्या कह रहा है? मला कालचे सारे सारे सांगायचे होते, मुझे कल का सब कुछ बताना था जो कुछ हुआ, नहीं तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका। या आग्र्याहून सुटका क्या है? ये शिवाजी महाराज जब आगरा से छूटकर भाग वहाँ से निकल आए थे उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपुऱ्याच्या वाटेने। ये जयसिंग कौन है? महाराजा राजा जयसिंग जो है ये उनके बेटे ने शिवाजी महाराज की मदद की थी, तो उसी लिहाज से यहाँ पर जयसिंगपुरा ये नाम लिया गया है। महाराजा राजा जयसिंह ये उनका नाम है। अनमग मकबरा खो खो करून हंसू लागतो। अब मकबरा हंसने लगा। मी ही त्यासा बरोबर मनसोक्त हंसतो, मैं भी मकबरे के साथ साथ हंसने लगा हूँ। खूब खूब हंसून झाल्यावर तो मला म्हणतो, बहुत ज़्यादा हंसने के बाद वो मुझसे कहता है, ऐसे नाही हे करायचे पुनः, ऐसा दोबारा मत करना, पुनः यानी दोबारा। अन मी ही त्याला म्हणतो और मैंने भी उससे कहा, ऐसे नाही हे करायचे पुनः, यानी तूने भी ऐसा दोबारा नहीं करना है। माझ्या अभ्यासिकेचे काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपे पाहिली आहेत। अब यहाँ पर मुसन्निफ कह रहा है यानी लेखक कह रहा है कि कांच की खिड़की के किनारों से कितने ही रूप उसने मकबरे के देखे हैं। सकाड़ची, दोपहरची, संध्याकाड़ची, निरात्रिची, यानी सुबह का रूप भी देखा है, दोपहर का, शाम का और रात्र का। सकाड़ यानी सुबह, दोपहर यानी दोपहर, संध्याकाड़ यानी शाम और रात्र यानी रात।
माझ्या जीवनातले उन्हाळे पावसाळे आणि हिवाळेही मकबऱ्याने पाहिले आहेत. मेरी जिंदगी के तीनों मौसम यानी गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम यानी उसकी ज़िंदगी के, लेखक की ज़िंदगी के हर क्षण को मकबरे ने देखा है. तासन तासमी महानुभाव पोथ पोथियांचा सांकेतिक लिपियांचे डोके खूबसून बसे यानी तासन तास यानी घंटों तक मी महानुभाव पोथियांचा सांकेतिक लिपियात महानुभाव जो संत होते हैं उनकी जो पोथियाँ होती है जिसमें अभंग वगैरह लिखे जाते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है. सांकेतिक लिपियात यानी उसकी जो नशान जद्दे तरीक़े से की गई जो लिपि थी या फिर जिसे आप पुरानी मराठी कहते हैं डोके खूबसून बसे यानी उसमें दिमाग लगाकर बैठ जाता तेव्हा मकबऱ्या ने माझ्या नेत्रावर शीतलतेचा छिड़काव केला आहे. तब ऐसे वक्त में मकबरे ने मेरी आँखों पर नेत्रावर यानी आँखों पर शीतल तेचा छिड़काव किया है यानी ठंडक भरी हवा का झोंके का छिड़काव किया है. छिड़काव यानी छिड़काव करना. 13वा शतकाचा चोंभा कविचा ओका हरण सारख्या अपूर्व काव्याचा संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे. अब देखिए 13वा शतक यानी 13वीं सदी में चोंभा कवि ये संत कवि थे. उनके उकाहरण नाम का एक संग्रह था. उसके अपूर्व काव्य यानी एक उनकी नज्म थी उसका संपादन जो है ये लेखक ने किया था. आस्वाद मी ज्या शनि घेत असे आस्वाद यानी उसका स्वाद लेते थे मिठास लेते थे त्या एकांताच्या क्षणात मला फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे. एकांत यानी कि अकेले में अकेलेपन में तन्हाई में एकांत रहना यानी तन्हा रहना. शनात उस लम्हे में उस मोमेंट में फक्त मकबराच माझ्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे. तो मकबरा ही मुझे मनसोक्त दिल खोलकर मेरे आनंदाला यानी मेरी खुशी को दाद देता था. प्रतिसाद देने यानी दाद देना. मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासन तास धसत थकून रुतून जात तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारीनीच माझ्या पाठीवर मायेची हात फिरविली आहे. अब यहाँ पर क्या कह रहा है मराठवाड़ा की जो मराठी शिलालेख है उसके कोरीव अक्षर जो थे उसमें जब मैं आंखें गड़ा कर बैठता था घंटों तक तासन तास घंटों तक थकून रुतून जात जब मैं बहुत थक जाता तो मकबरे की मीनार जो है मेरी पीठ पर माया की हाथ फिराती थी. माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यांनीच मला सावरले आहे. और मेरी जो अभ्यासिका थी इसकी कांच की खिड़की में से वो अपना लंबा हाथ की उंगलियां नर्म और नाजुक उंगलियां फिराकर मुझे सवारती. माझा ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला यानी लेखक के ग्रंथ को राज्य पुरस्कार मिल गया. माझा व्याख्यानमाला गाजल्या यानी उनकी जो व्याख्यान थे उनके जो लेक्चर थे वो बहुत ही ज़्यादा सराहे गए. आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला और लेखक को आदर्श प्राध्यापक का गौरव भी मिला था. मला डीलिट मिळाली और लेखक को डीलिट भी मिली थी. राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला और लेखक का राष्ट्रीय प्राध्यापक के नाम से सम्मान भी हुआ. ये सब याद रखिए आदर्श प्राध्यापक का गौरव डीलिट और राष्ट्रीय प्राध्यापक. संत साहित्य चिंतनाचा सारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक संग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला. संत साहित्य चिंतन के पुस्तक को श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथ का पुरस्कार भी मिला था. अब मला परदेशाची निमंत्रण आली यानी परदेश की भी निमंत्रण आई थी यानी दूसरे गैर मुल्क में जाने का उन्हें न्योता मिला था. कि त्या बातम्या सांगणारी जी पत्रे नी तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत ती पाकिटे फोडून या बातम्या मी प्रथम कोणाला सांगत असे. काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक्क लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला यानी जितने भी बाहर से लेटर आते थे तो वो लेटर किसे सुनाते थे वो मकबरे को सुनाते थे. मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्याचा घुमट तारून
तरारून यही। तो मकबरे के मीनार हंसते थे, डोलते थे और उसका गुंबद जो है वो थर्रा जाता। माजा यशाने त्याला ही तेज चढ़े और मेरी कामयाबी से उसे भी तेज आ जाता था, यानी उस पर भी रोशनी आ जाती थी। त्याचा स्नेहशील सदृष्टीच्या वर्षावत मी अखंड नाहून निघत असे और उसकी सब राजमा तरीक़ेकार से मैं भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता। माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणाचा फार फार मोलाचे स्थान आहे और मेरी जिंदगी में इन लम्हात का बहुत ही ज़्यादा मुकाम है, स्थान है, स्थान यानी मकाम। हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत। ये तमाम लम्हे मैंने अपने दिल में, हृदय यानी दिल में जपून यानी जमा करके रखे हैं, छुपा रखे हैं, दड़वून ठेवले आहेत यानी छुपा रखे हैं। मकबऱ्याने जसे माझे सुख पाहिले तसे दुखी अनुभवले आहे। मकबऱ्याने जसे मेरी खुशियाँ देखी है वैसे गम भी देखे हैं। गेली 25-30 वर्ष हा हसू आसूंचा खेळ अविरत चालला आहे और गुज़िश्ता 25-30 साल से ये हंसने रोने का खेल, आंसू आंसू यानी हंसना रोना, अविरत यानी बगैर रुके चलता रहा है। या पुढ़े ही चालना रहे, इसके आगे भी चलेगा। माझ्या मनातला मकबरा माझ्या बरोबर युगानो युगानुयुगे अशीच वाटचाल करना रहे और मेरे दिल का मकबरा सालों साल सदियों सद यानी युगो युग युगानो युग यानी सालों साल ऐसे ही चलने वाला है। हिवाड़ियात पावसाड़ियात नी उन्हाड़ियात देखील यानी सर्दी बारिश और गर्मी के मौसम में, पाउल खुना से ये लिया गया है। शब्दार्थ चिखलाने माखने यानी कीचड़ से भर जाना, नितड़ाई नितड़पना, साफ सफाई शफाफियत, लव कोवड़े गवत यानी बहुत ही कोमल बहुत ही नर्म घास, तेजोमय तेजस्वी यानी रोशन, शुचिता यानी पवित्र यानी ये बहुत ही ज़्यादा पाक, दत्त म्हणून उभे असणे अचानकपणे समोर उभे येऊन राहणे, छिड़काव शिंपन, स्नेहाळ प्रेमळ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।